तो आज के हमारे इस क्लास में हम टेक्स कैटेगरी के फॉर्मूले पे डिस्कस कर रहे हैं, टेक्स, डेटा टाइम, बाकी फॉर्मूले, क्योंकि हमने इफ का फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला हमने कंप्लीट किया था। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पैर एंड कोड की। जैसे हमने करेक्टर दिया और कोड का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका कोड पता चल जाता है। फिर वापस हम कैर का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका करेक्टर पता चल जाता है। ओके, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा मैं आपको आगे बताते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कभी कभी डेटा हमें आता है जिसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं सुजीत कुमार के बीच में बहुत सारे स्पेसेस हैं, या बहुत सारे स्पेसेस के साथ मेरा नाम सुजीत है, या यहीं पे सुजीत के बाद बहुत सारे स्पेसेस है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे है अनवांटेड स्पेस। क्या है अनवांटेड स्पेस? तो हमारे पास स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है जो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रिम जो है अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, ना कि स्पेस को। ट्रिम हमारा अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हम बात करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है हम रैप टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सुजीत लिखते हैं और रैप टेक्स करके नीचे आते हैं कुमार करते हैं, तो उस एक चीज ट्रिम से रिमूव नहीं होती है। देखिए ट्रिम से रिमूव नहीं हुई, अब लोग से रिमूव तो हो गई, लेकिन जब इसका लेंथ लगाएंगे, लेन एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी टेक्स का लेंथ बताता है, तो इसने लेंथ बता दिया 12। इसने बताया कि सुजीत कुमार का लेंथ कितना है 12, बट आप मैनुअली काउंट करें तो आपको ए 11 दिखेगा, सुजीत का 6 एंड कुमार का 1। तो एक करेक्टर जो है ना, ये नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, ऐसा करेक्टर जो वजूद में तो होता है बट एक्चुअली में वो होता नहीं है। ओके, तो उस केस उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्लीन का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, क्लीन। क्लीन का फॉर्मूला होता है। तो यहां हम क्लीन फॉर्मूला लगाते हैं और इसको क्लीन कर देते हैं। अब मैं लेंथ लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको 11 दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की। जैसे हमारे पास कुछ डेटा है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि जो डॉट है वो डैश डैश बन जाए, मतलब रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला होता है किसी भी करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर देता है। जी हाँ, ध्यान से देखिए हमने क्या लगाया, G1, और हमने बोला डैट डॉट को डैश से रिप्लेस कर, डॉट को डैश से रिप्लेस कर। एक और फॉर्मूला रिप्लेस का आता है, इसका रिप्लेस का। तो रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि इसे बताना होता है कि भाई मुझे एक से यहाँ पे चौथे नंबर कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो डैश, और फिर हम यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए 123653 इस तरह का आपको दिख गया। राइट सर? तो इस तरह से रिप्लेस, अब यहाँ पे डैश ही कर दिया तो पता नहीं चला, हम इसको स्लैश कर। तो दो फॉर्मूला होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट जो किसी करेक्टर को अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करता है, दूसरा आपका होता है आपका रिप्लेस जो पर्टिकुलर पोजीशंस को, पर्टिकुलर पोजीशन पे जो करेक्टर है उस करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। अगला ऑप्शंस आता है सेपरेशंस का। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे इनको आपस में सेपरेट करना है। तो मेरे पास लेफ्ट का फॉर्मूला है कि मैं लेफ्ट से जितना डिजिट बोलूंगा उतना डिजिट अलग कर देगा। फिर मेरे पास राइट का फॉर्मूला है कि मैं राइट से जितना डिजिट बोलूंगा उतना डिजिट वो अलग कर देगा।
और मिड के लिए हम यहाँ मिड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसे बताना होता है आपका मिड स्टार्ट कहाँ से है। तो मेरा मिड जो स्टार्ट है वो तीसरा चौथे नंबर से स्टार्ट है, और चौथे नंबर से मेरा तीन करेक्टर है। तो ये देखिए, चौथे नहीं पांचवें से स्टार्ट है, माफ कीजिएगा, पांचवें से स्टार्ट है और तीन करेक्टर है, अलग कर दे। देखिए ये तो मैनुअल पूरा का पूरा है। पूरा का पूरा मैनुअल है। तो आप अगर चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सुजीत कुमार, मुझे फर्स्ट नेम अलग ना लास्ट नेम अलग करना है, ऐसे बहुत सारे नेम है तो मैं फॉर्मूला के साथ अलग करना चाहता हूँ। तो पहले चीज जानिए कि अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं। टेक्स्ट बिफोर, इसको सेलेक्ट कीजिए, और किसके बिफोर थे, स्पेस के बिफोर, आपका सुजीत अलग कर देगा। फिर यहाँ पे आता है आपका टेक्स्ट आफ्टर, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि स्पेस के बाद के दिखा दे। लेकिन ये तो लेटेस्ट एक्सेल में, अगर आपके पास पुराना एक्सेल है तो प्रॉब्लम हो। उस केस में फिर हमें फाइंड का फॉर्मूला लगाना। जी हाँ, फाइंड का, फाइंड के फॉर्मूले में मुझे बताना होगा कि क्या ढूंढना है, तो स्पेस ढूंढना है। इसके अंदर जाते हैं और कॉमा हम बोलते हैं स्टार्ट वन से करें, तो 7 आ गया। फिर मैं यहाँ लेफ्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसमें से -1 कर देता हूँ, क्योंकि 7 जो है वो आपका सुजीत और स्पेस तक का लोकेशन है। फिर यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ मैं लगाता हूँ लेन का फॉर्मूला कि लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, ये फाइन कर लिया इस तरह से। तो ये फाइन हमने अलग सेल पे लगाया, इसलिए आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक साथ यहाँ लगाना है इस तरह से, इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग कर देगा, इसका ध्यान आप रखेंगे। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बात आती है कि अगर मान लीजिए मैं लिखा सुजीत कुमार सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम है, तो इसके लिए लेटेस्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मूला मिलेगा स्प्लिट का, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट स्प्लिट। हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और हमने बोला कि स्पेस की बिहाफ पे स्प्लिट कर दे। तो सुजीत कुमार सिंह को देखिए इसने अलग अलग कर दिया, सुजीत कुमार सिंह के अलग अलग कर दिया। राइट सर, तो टेक्स्ट स्प्लिट का ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट को ज्वाइन करने की। मेरे पास सुजीत और कुमार दो अलग अलग सेल में, इसको कैसे ज्वाइन करें। तो इसके लिए हमारे पास कॉनकेटा नेट का फॉर्मूला है। जी हाँ, कॉनकेटा नेट, स्टार्ट किया, कॉमा, स्पेस दिया, सेपरेटर देना है तो, और फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक कॉनकेट हो जाए। या दूसरा तरीका है कि हम एन परसेंट का साइन भी लगा लें इस तरह से, तो कॉनकेट एन परसेंट से भी काम करता है। सुजीत जी, हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए, सुन रहा हूँ। इसको कौन सा फॉर्मूला बताया, कौन कैटेट? कौन कटाने, कौन कटाने, अगर कौन नहीं बस कटाने याद नहीं रहेगा तो सिंपल सा एन हाँ परसेंट, हाँ हाँ
अच्छा एम परसेंट, अच्छा ठीक ठीक ओके क्लियर है। हाँ जी अब इसमें ये तो हुए हमारे, अब इसमें आगे बात करते हैं कि जब दो डेट को करना हो, जैसे मैंने 1 जनवरी लिख दिया और आज की डेट लिख दिया, उन दोनों इन दोनों को कंबाइन करना है, तो अगर एंड परसेंट या कॉन्केटनेट कुछ भी यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, हम दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि नंबर सा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था डेट जो है एज ए नंबर में स्टोर होता है, डेट में स्टोर होता है एज ए नंबर, तो यहां प्रॉब्लम आएगी। तो इस केस में आपको जो आपने डेट नॉर्मली सेलेक्ट किया है उसको ऐसे नॉर्मली नहीं करना होगा, इसको टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर करना होगा, और फिर यहां हम देंगे dd/mm/yy एक अपना फॉर्मेट, और दोनों डेट जितने भी डेट एंट्री करेंगे दोनों का यह आपको करना पड़ेगा। यार यहां भी हम लेते हैं और लिखते हैं टेक्स्ट, और इसके अंदर भी हम करते हैं यहाँ पे dd/mm/yy, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। देखिए 1 जनवरी 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि मुझे अगर एक लिस्ट को ज्वाइन करना, देखिए अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है और आप चाहते हैं कि एक लिस्ट को ज्वाइन करना, तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक है कॉन्केट का फॉर्मूला जो कि पूरी लिस्ट सेलेक्ट करने पे ज्वाइन हो जाता है, बट सेपरेटर नहीं आता है। सेपरेटर चाहिए तो यहाँ आप कीजिए टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन, इसमें सेलेक्ट करना होता है डिलीमिटर, मतलब तो क्या एक सिलेक्ट से दूसरे टेक्स्ट के बीच में आपको क्या चाहिए, सेपरेटर कौन सा चाहिए। फिर मैंने किया ट्रू, मतलब कि ब्लैंक को इग्नोर करना है, फिर हम यहाँ पे पूजा को सेलेक्ट करें, देन ओके एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोनों टेक्स्ट आपस में ज्वाइन हो गया और सेपरेटर कॉमा लग गया, इस तरह से हम सेपरेटर लगाते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट की कैलकुलेशन थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। पहले जानिए कि सिस्टम डेट आप टाइप कैसे करेंगे। मेरा डेट जो है वो है DDMMYY, मतलब कि मैं पहले डेट फिर मंथ लिखता हूँ, सेम ईयर का डेट है तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ईयर भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके अब इसमें बात आती है कि अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपका फॉर्मेट अलग हुआ MMDDYY हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम डेट लिखते समय ध्यान रखते हैं, हम यहाँ जैसे ईयर मंथ डे है तो यहाँ 2022 मंथ में हम लिख दिए 13 10 और डे हमारा 13 हो गया। अब जिस सिस्टम पे जाएगा उस सिस्टम पे एक करेक्ट डेट होगा, डेट का फॉर्मेट चेंज होने से डेट आपका चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करना हो तो मेरे पास ईयर का फॉर्मूला जो कि इसमें से ईयर अलग करता है, फिर मेरे पास डे का फॉर्मूला जो कि डे अलग करता है, और मेरे पास मंथ का फॉर्मूला है जो कि इसमें से मंथ अलग करता है, और फिर डेट का फॉर्मूला इसको आपस में कंबाइन कर देता है। अब चलते हैं डेट की कैलकुलेशन के समय, तो एक सिस्टम डेट के लिए टुडे का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट यहाँ पे आपको देता है। अब मुझे इस सिस्टम डेट पे अगर 20 दिन जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली आपको डेट ऐड हो जाएगा। लेकिन इसी आपको अगर महीना जोड़ना है, इसी में अगर महीना आपको जोड़ना है तो उस केस में हमें ई डेट का फॉर्मूला लगाना होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप
30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 90 रिजल्ट आएगा, 90 जोड़ देंगे, गलत होगा क्योंकि हर महीने का डेट अलग अलग हो, टाइम अलग अलग होता है, कि डेट जो अलग अलग होता है, किसी का 30 31 इस तरह से अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे। नंबर इस तरह का नंबर जो रिजल्ट इस तरह का नंबर्स में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपको माइनस करने हो महीना, क्योंकि अगर डे माइनस करना हो तो जस्ट प्लस के जगह पे माइनस के साइन आप लगा दीजिए, डे माइनस हो जाएगा। और आपको मंथ माइनस करना हो तो ई डेट ही लगेगा, लेकिन मंथ को माइनस में लेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करने पे क्या डेट आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा तिगड़न करना पड़ेगा, फिर आपको जो है ना ए वाला फॉर्मूला को यूज करना होगा डेट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ईयर इसमें से अलग करेंगे, कहाँ से, इसमें से, डेट में से, और उस अलग की गई ईयर में हम 2 साल ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ मंथ ऐड अलग कर, इसमें से मंथ को अलग करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे हमारा 4 महीना, और फिर वापस डेज अलग करेंगे और इसमें 22 दिन जोड़ देंगे। हम मैनुअली लिख दिए हैं बट आप उसको सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर मारते ही आप देखेंगे नंबर ऑफ डेज ऐड हो गई और आपके पास डे आ। ओके सुजीत, सुजीत जी एक क्वेश्चन है। अलग पूछिए। ये जो आप जो शॉर्टकट्स बता रहे हैं इसका ये कहीं मिलेगा हमें? जी, आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए, F1 कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए, ठीक हाँ है। जैसे आप F1 प्रेस ओके करेंगे आपको यहाँ एक्सेल हेल्प दिख गया। अब यहाँ ओके पे शॉर्टकट सर्च करें, क्या सर्च करेंगे, शॉर्टकट। शॉर्टकट आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट। ओके अब यहां ओके करेंगे तो ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट का रिजल्ट आ गया और सारे शॉर्टकट इसके अंदर हो, ठीक है। ओके तो आपको किसी चीज के बारे में जानने के लिए जाना जाना नहीं है, आप एक्सेल हेल्प को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट सर। ओके 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 थैंक यू। चलिए तो डेट ऐड करना सीख गए, अब डेट को डिफरेंस निकालना भी सीख लेते हैं कि दो डेट का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो दो डेट का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए एक एक और आज का डेट का डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सबसे पहले कि हम लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दें तो दो डेट के बीच के डिफरेंस आ जाएगा, या फिर मैं डेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं जिसमें लेटेस्ट डेट ओल्डेस्ट डेट करूं तो डेज आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है Day 360। Day 360 क्या करता है, आपको स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कर दीजिए तो ये आपका डे बना देता है कि कितने दिन हुए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस साल को 360 दिन समझता है, 365 दिन, 60 दिन 365 दिन नहीं समझता है, तो इसी हिसाब से आप इसका यूज इस्तेमाल कर सकते। अब बारी आती है कि दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, लेकिन सैटरडे एंड संडे या फिर मेरे पास एक होलीडे लिस्ट है, उस होलीडे लिस्ट को इग्नोर करना चाहते, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला नेटवर्क नेटवर्क डेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और यहाँ पे होलीडे। आप अपना होली डे लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपको बता देगा 204, इसमें सैटरडे एंड संडे और इस डेट, अगर इसमें कोई डेट डला होगा उसको इग्नोर करके आपको बता देगा कितने नंबर ऑफ दिन हुए। लेकिन मेरा कंपनी सैटरडे संडे नहीं, कुछ और दिन छुट्टी होता है, तो उसके लिए आप लगाएंगे नेटवर्क डेज डॉट INTL, फिर इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट को कॉमा एंड डेट को, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका वीकेंड्स,
जैसे मेरा वीकेंड सिर्फ संडे है तो हमने संडे को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम अपना हॉलीडे जो कि 15 अगस्त 26 जनवरी जो होता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके कीजिए एंटर, तो रिजल्ट आ जाएगा। इसने सिर्फ संडे को इग्नोर किया, बाकी आपको दिखा दिया। राइट सर, उसी तरीके से मान लीजिए आपको वर्क डे निकालना है, जैसे कि मैं आज जो है एक काम किसी को दिया, उसने बोला कि 20 वर्किंग डे लगेगा, तो 20 दिन बाद कितना कौन सा डेट पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास वर्क डे है जिसमें सैटरडे एंड संडे और नंबर ऑफ जो हॉलीडे लिस्ट को आप इग्नोर कर सकते हो। तो सैटरडे संडे डिफॉल्ट सेट है इसमें। आप चाहते हो कि आप संडे संडे इग्नोर करें सिर्फ, तो संडे संडे सिर्फ इग्नोर करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वर्क डे डॉट आई एन डी एल स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज डालिए, आपके सामने डेट आ जाए। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक और है, जैसे कि मैं आज का डेट डालूं चाहे चाहे कोई भी डेट डालूं, मुझे लास्ट इस मंथ के लास्ट डेट आ जाए तो हम लगाएंगे फॉर्मूला ई ओ मंथ, इस पे जाके जीरो कर देंगे तो इस महीने का स्टार्ट डेट आएगा। बट नंबर में आया तो आप कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए डेट का फॉर्मेट, तो आपके सामने डेट आएगा। तो महीने क्या होते हैं लास्ट डेट, जो महीने का लास्ट डेट होता है हर महीने में अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से दे देगा आप। ये थी हमारी डेट की कैलकुलेशन। अब बात करते हैं टाइम की कैलकुलेशन। टाइम, तो टाइम कैलकुलेशन में अगर आपको अभी का टाइम लिखना है तो आप लिखेंगे इस तरह से टाइम। तो ध्यान रखिएगा जैसे कि 8 बजे का लिखना है टाइम, 8:32, तो यहाँ हमें पीएम लगाना होगा। अगर पीएम ना लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एएम ले लेगा, या फिर आप 20 आवर्स का जो ये 24 आवर्स का जो फॉर्मेट होता है उसको फॉलो कर सकते हैं इस तरह से। अब बात आती है टाइम में से स्ट्रैक करना। तो हमारे पास एक नाव का भी फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम का डेट एंड टाइम अलग करता है। मुझे इसमें से टाइम के कुछ पार्ट अलग करना है, जैसे आवर अलग करना है तो आवर के लिए हमने आवर सेलेक्ट कर लिया, मिनट अलग करना है तो हमने इसके लिए मिनट सेलेक्ट कर लिए, और सेकंड के लिए हमने सेकंड सेलेक्ट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि आवर मिनट सेकंड अलग अलग आ गए। फिर वापस मैं टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें हम टाइम को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये टाइम कंबाइन हो जाए। अब आती है टाइम के ऊपर कैलकुलेशन। तो मुझे अभी का जो टाइम है इस टाइम में मान लीजिए 20 मिनट जोड़ना है। अब 20 मिनट मिनट फॉर्मेट में है तो जस्ट आप इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, नंबर आए। लेकिन 20 मिनट इन द नंबर फॉर्मेट, ध्यान रखिए एक्सेल में 1 = 24 आवर होता है, तो आपको ऐसे नहीं ऐड करना है। फिर आप टाइम फॉर्मूले का यूज करोगे कि टाइम फॉर्मूला इसमें प्लस करना है टाइम, हमने मिनट जीरो कर दिया आवर, मिनट के लिए 20 सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा जीरो कर लिया तो ये आपका सेलेक्ट होगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो दो टाइम का डिफरेंस, सुबह में 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 6 बजे ऑफिस से आया, कितना घंटा काम किया, तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो डेट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आज की डेट है 13 तारीख, तो 13/10 को मैं सुबह दोपहर के 2 बजे ऑफिस गया और 14/10 को शाम के रात के 3 बजे ऑफिस आया, तो यहां पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप जो है इस तरह से डेट जो चेंज होता है इस तरह से माइनस नहीं कर सकते आप, तो डेट कभी माइनस पे नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको डेट एंड टाइम को इकट्ठा लिखना है, अगर आपने इकट्ठा नहीं लिख रखा है तो दोनों को प्लस कर दीजिए इस तरह से, फिर इन दोनों को आसानी से आप लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम करेंगे और इसके ऊपर आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई करें, टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करें, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट होता है
तो ये आपका 13 आवर आएगा। तो ये थी हमारी टाइम की कैलकुलेशन। अब बात करते हैं रेफरेंसेस की कैलकुलेशन, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, रेफरेंसेस का टॉपिक। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए कि मेरे पास एक फॉर्मूला है रो का, रो फॉर्मूला जहां लगता है वहां का रो नंबर होता है, या इसके अंदर अगर मैं किसी का रेफरेंस दे दिया तो उसका रो नंबर दिखाएगा। बट इसके लिए इसका यूज हम लोग सिक्वेंस नंबर में करते हैं। जैसे मैनुअली आपने सिक्वेंस अगर सीरियल नंबर दिया हुआ है और बीच में अगर हमने डिलीट कर दिया तो सिक्वेंस खराब हो गई ना। तो यहां अगर आप रो का यूज करें तो आपका सिक्वेंस खराब नहीं होगा। जैसे बीच में से अगर हमें कोई कोई रो डिलीट करते हैं तो सिक्वेंस अपने आप को सही कर लेगा। लेकिन मुझे सीरियल नंबर यहां से शुरू करने हैं तो आप रो लगाएंगे तो गलत आएगा, क्योंकि तो आएगा 5, इसमें से आप -4 कर दीजिए, आपका सही नंबर आ जाएगा। नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, सिक्वेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास कॉलन होता है, कॉलन किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करे तो उस कॉलम का नंबर या उस जिसमें फॉर्मूला लगा है उसका नंबर दिखा देता है। इसका इस्तेमाल हम कल की क्लास में वी लुकअप के अंदर करेंगे, तो आपको वी लुकअप के अंदर पता चलेगा कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है, ओके सर। उसके अलावा इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा, नीचे तक ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल्स लिख दिया, मुझे इसको ट्रांसपोज करना है। तो पेज स्पेस में ट्रांसपोज तो होता है बट लिंक नहीं होता है। बट आप यहाँ ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, तो देखिए ए आपका ट्रांसपोज हो गया। उसके अलावा चूज का फॉर्मूला है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा है, मैं इसको वर्ड इसमें वीक में डेज है आपका, तो मैं इसको डे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो चूज फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ को रिप्लेस करता है, अगर सिक्वेंस में आपका है 1, 2, 3, 4, 5 है तो आप चूज लगा सकते हैं कि 1 आए तो मंडे आना चाहिए, 2 आए तो ट्यूजडे आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सिक्वेंस ही चलता है, तो आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से तो चूज लगा सकते। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास है वी लुकअप की, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल आप जरूर ज्वाइन